नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल साहिल फ्रीडिस। दोस्तों जी अफलाम और बहुत सारे चैनल्स यानी 7 चैनल्स जो कि आपको फ्री टू एयर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 66 डिग्री ईस्ट आप लोगों ने सेट किया होगा, जहाँ पर महुआ चैनल्स आता है, कुछ अदरवाइज लैंग्वेज के चैनल्स आते हैं उन चैनलों पर, सोनी का भी पैकेज वहाँ पर चलता है, तो लोग सी बैंड पर यहाँ पर इंडिया में सेट करते हैं। तो सी बैंड बड़ी छतरी होती है, 4 फीट की होती है, 6 फीट की होती है, 8 फीट की होती है, 10 फीट, 12 फीट, 14 फीट की छतरियां होती है, तो उस पर लोग सेट करते हैं 66 डिग्री ईस्ट और वहाँ पे जो चैनल्स हैं उनकी समझ के वो लोग आनंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ये सी बैंड पे चैनल्स नहीं है। जी अफलाम के बारे में सबसे पहले हम आपको कुछ बता देते हैं मोटा मोटी कि जी अफलाम बदर सेट 26 डिग्री ईस्ट पे, और यानी कि बदर सेट से नीचे जो सेटेलाइट है यानी कि 7 ईस्ट है और उसके बाद हॉट बर्ड वगैरह जो भी हैं उन सेटेलाइटों पर ये जी अफलाम चलता है। अब जी अफलाम का इतना क्रेज है इंडिया में, यानी कि जो चीज़ ना मिले अब उसके पीछे हम इंडियन या कोई भी हुआ बहुत तेज भागते हैं। जब मिल जाती है तो उसका वैल्यू समाप्त हो जाता है। जैसे कि मान लो कि जियो सिम था, ठीक है, फिर BSNL का सिम था और भी बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं कि अगर नहीं मिलता है तो हम लोग लाइन लगा लेते हैं, है ना, नहीं मिलता तो लंबी लाइनें लगा लेते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, जब मिल जाता तो बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद से उसकी कुछ ही दिन के बाद वैल्यू एकदम मिट्टी की हो जाती है, मतलब उसकी वैल्यू कुछ हो नहीं रहती नहीं है। लेकिन हम आपको जी अफलाम के बारे में बता रहे हैं। जी अफलाम अरबी लैंग्वेज का चैनल है, जी नेटवर्क का चैनल है, लेकिन दोस्तों जी अफलाम पे अब लोग कहते हैं, दिखा देते हैं चैनलों पे कि यहाँ पे हिंदी फिल्म चल रहा है। ठीक है, हिंदी फिल्म मैं भी मानता हूँ चल रहा है, लेकिन वो लैंग्वेज जो होती है ना हिंदी नहीं होती है। अब वो हिंदी फिल्म है, शाहरुख खान सलमान खान की फिल्म है, लेकिन वो क्या है, अरबी लैंग्वेज में वो डब होती है। तो ठीक है, ये मतलब जो भी फिल्में आती है, इंडियन फिल्में आती हैं, इंडियन सीरियल आते हैं, वो डब आते हैं जी अफलाम पे। और हम आपको बता दें 66 डिग्री ईस्ट का इंडिया में उतना कवरेज नहीं, कुछ नेपाल से हल्का सा सटा है, उधर पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास में ही बस इसका कवरेज है। तो जी अफलाम मतलब जिनको सेट करना है यानी बॉर्डर इलाके पे हैं, नेपाल साइड में बॉर्डर इलाके में, तो वो लोग सेट कर सकते हैं। अगर मान लो पिछले हिस्से में हो यानी कि इंडिया के बीचों बीच में हो, तो आपको कम से कम 6 फीट की छतरी लगानी पड़ेगी, और वो भी छतरी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, LNB भी अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप उसे सेट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं 7 चैनल है, 7 सोमालिया लैंग्वेज के चैनल हैं, और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का 2 चैनल है, और उसके बाद से अरबी लैंग्वेज के 1-2 चैनल्स हैं, यानी कि जी अफलाम भी उसी में इंक्लूड है। तो खैर, कहने का मतलब ये है, हमारे इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप हाथ धो के जी अफलाम के चक्कर में ना पड़े। इसलिए ना पड़े क्योंकि होना जाना मिलना जुलना कुछ है नहीं, हाँ एक थोड़ा सा वो होता है, इंटरेस्ट होता है, खुशी होती है कि हाँ जी अफलाम आया, मजा आ जाता है कि हाँ एक नई चीज़ होती है। अब जिसके दीवाने हैं, अब वो अरबी हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, फारसी हो, रूसियन हो, तो भैया क्या है ना कि अब हम लोग क्या है ना, अब उस चीज़ को सेट करेंगे भले से हमारे समझ में ना आए। जैसे 80 डिग्री को ले लो, यमल 49 को ले लो, ठीक है, तो अब वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक कीड़ा काट लेता है ना कि अब हमें सेट करना है तो करना है। तो दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो ही आप इसे सेट करें। तो दोस्तों आशा ही नहीं, पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और हो सकता है आप जीत जाएं एक प्यारा सा सेटअप बॉक्स। मिलते हैं दोस्तों किसी और नए वीडियो।